सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। यह घटना है औरंगजेब के शासनकाल की। उसने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को मार डालने के उद्देश्य से दिल्ली बुलवाया था। दिल्ली जाने से पहले गुरु तेग बहादुर ने अपने पुत्र गोविंद सिंह को बुलाकर कहा, बेटा आज से तुम ही सिखों के गुरु हो, तुम अपने प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करना। लो बाबा हरगोविंद सिंह की यह तलवार पकड़ो। तलवार पर अंकित था, सिर दिया शेर न दिया, अर्थात अपना सिर कटवाया लेकिन धर्म नहीं त्यागा। वास्तव में गुरु तेग बहादुर ने अपना सिर कटवा दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्र थे, चारों ने धर्म की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए। उन्होंने न तो अपने परिवार की आन तोड़ी और न ही अपनी शान को बट्टा लगने दिया। गुरु गोविंद सिंह की दो पत्नियां थी, सुंदरी देवी और ज्योति देवी। सुंदरी से अजीत सिंह और ज्योति से झुंझार जोरावर और फतेह सिंह का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि एक बार मुगल सेना ने गुरु गोविंद सिंह को घेर लिया। वह उस समय अपने परिवार सहित चमकौर के दुर्ग में थे। किसी प्रकार उन्होंने अपनी माता गुजरी और दो छोटे बालकों जोरावर व फतेह सिंह को बाहर भिजवा दिया। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। अंत में जब रसद और युद्ध सामग्री कम होती गई और विजय की आशा भी समाप्त होती गई तो सबने बाहर निकलकर शत्रुओं को मारते हुए वीरगति पाने का निश्चय किया। उसी समय दोनों बड़े बेटे अजीत सिंह और झुंझार सिंह गुरु गोविंद सिंह के पास आए। वे बहुत भूखे प्यासे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे कहा, जाओ और दुश्मनों के खून से अपनी भूख प्यास बुझाओ। दोनों किशोर बालक अपने पिता की आज्ञा मानकर किले से बाहर निकले और शत्रुओं को मारते काटते वीरगति को प्राप्त हुए। उधर माता गुजरी देवी और दोनों छोटे बालक मुगलों के पकड़ में आ गए। उन्हें बंदी बनाकर सरहिंद के सूबेदार वजीर खां के सामने पेश किया गया। दोनों बालकों के चेहरे पर भय का कोई भी निशान न था। बालकों का भोला चेहरा देखकर सूबेदार को तरस आ गया। वह बोला, मासूम बच्चों, अगर तुम मुस्लिम मजहब को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी जान बच सकती है। बालकों ने सूबेदार को टक्के सा जवाब दे दिया, हम इस्लाम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। सूबेदार ने बालकों को लालच देकर फुसलाना चाहा, मेरी बात मान लो तो तुम्हें दौलत मिलेगी, हम तुम्हारी शादी हूर परियों से करा देंगे। लेकिन वे बालक अपनी बात से जरा भी न डिगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम सुरक के बदले भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर वजीर खान ने जल्लादों को हुक्म दिया, इन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दो। जब बालक दीवार में छाती तक चिन गए तब एक बार फिर वजीर खान ने कहा, बच्चों भी समय है, बेकार ही अपनी जान मत गवाओ, मेरी बात मान लो। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, हमें मरना स्वीकार है, इस्लाम नहीं। कहते हैं कि जब दीवार में छोटे भाई फतेह सिंह को गले तक चिना गया तो बड़े भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर छोटे भाई ने पूछा, भैया क्या मौत से डरते हो? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पिता की आज्ञा याद नहीं? नहीं भैया, मैं मौत से नहीं डरता। मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं पहले पैदा हुआ, लेकिन यह दीवार तुम्हें पहले ढक लेगी, तुम्हें पहले स्वर्ग मिलेगा। इस तरह इन नन्हे बालकों ने सिर दिया मगर शेर न दिया। दोस्तों, वीर बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।